विज्ञान तैयार हो, प्रदेश सरकार तुरंत उसको लेकर चलेगी और मुझे उम्मीद है कि 2022 के अंदर जैसे इसकी डीपीआर शुरू होगी, माननीय विधायक को बुलाकर इसका शिलान्यास कराकर इसका काम शुरू। धन्यवाद श्री नयनपाल रावत जी। श्रीमान जी विवरण विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी की जो शिक्षा नीति है वो अपने आप में बहुत सर्वोपरि है और 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार बहुत सारे प्ले स्कूल, सैनिक स्कूल, मॉडल संस्कृत स्कूल, शिक्षा की तरफ पूरा जोर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीएन, सफाई कर्मी, चौकीदार, रात को चोरी हो जाती है स्कूलों में, सफाई व्यवस्था नहीं होती, बाथरूम बहनों के लिए बेटियों के लिए साफ सुथरे नहीं दिखाई देते, तो मैं समझता हूँ इस तरफ भी कम से कम एक पैरामीटर तय किया जाए कि कितने ऊपर कितने पीएन, चौकीदार, सफाई कर्मी रखे जाए जिससे चोरियाँ ना बढ़ें और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक मिल सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पास इस टाइम 6662 जो हैं वो चौकीदार और सफाई कर्मचारियों की कमी है। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से सदस्य को ये आश्वासन देता हूँ कि जल्दी जो कौशल रोजगार योजना है उसमें इन पदों को भर्ती कर देंगे। धन्यवाद। श्री विश्वनाथ सैनी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती निर्मला रानी जी। 1472। श्रीमान जी, राजकीय प्राथमिक माध्यमिक उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकतर विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय हैं। वर्तमान में राज्य में 14473 विद्यालयों में से 12664 विद्यालय जो हैं वो सह शिक्षा वाले विद्यालय हैं और केवल 1809 कन्या विद्यालय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अगर ये विद्यालय भी को एड कर दिए जाए तो जो बच्चों का अट्रैक्शन है वो बच्चों का मानसिक विकास ज्यादा होगा। कई स्कूलों में, खुद हम जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी, तो मैंने ये देखा कई स्कूलों में जब छुट्टी होती है तो वहां पुलिस फोर्स भी लगानी पड़ती है क्योंकि बच्चों में अट्रैक्शन होता है। जब प्राइमरी से लेकर बच्चे को एड पढ़ेंगे उनके माइंड में ये रहेगा ही नहीं कि ये लड़की है या लड़का है। हमें को एजुकेशन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा गलत लगा है, मैं इसमें कॉलेजेस की ओर भी इशारा था मेरा कि कॉलेज भी हमारे ज्यादातर यदि को एड होंगे तो उससे जो है हमारी जो है बच्चों को और भी फायदा होगा और इस शिक्षा के जगत में एक और भी मजबूत कदम होगा। अलग अलग राय हो सकती है। से जब क्वेश्चन आया तो मैंने पहले कहा था कि माने से प्रश्न तो कॉलेज का लगाना चाह रही थी, गलती स्कूल का लग गया। वो कॉलेज में पूछना चाह रही थी, तो मैं उन्हें विश्वास लगता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि को एजुकेशन पे ध्यान रहेगा, प्रयास रहेगा। अगर मेंबर का बहुत ज्यादा कहीं डिमांड या जनता की डिमांड आती है कि केवल लड़कियों के लिए कॉलेज खोल लिया जाए, स्कूल खोल लिया जाए, तभी उसी स्थिति में हम खोल लेंगे। लेकिन निश्चित तौर से इसके लिए मैं हाउस से भी निवेदन करूंगा कि वो भी समाज को इस प्रकार से जागृत करें। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अगर को एजुकेशन है उसके रिजल्ट में और दूसरे रिजल्ट में बड़ा भारी परिवर्तन है। ये असल में विषय इस प्रकार से आया कि मेरे यही बैठे थे, वही एक प्रोफेसर आई थी, मैडम थी, तो मैंने उससे ही पूछा कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। उसने भी कहा कि को एजुकेशन ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैं विश्वास लाता हूँ कि इस पर और प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक ही बात पूछ